بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد محترم بهاي واربهنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है अपनों से दूरी गैरों से कुरबत। आज सोशल मीडिया ने हमें इस कदर मशगूल कर रखा है कि इसकी वजह से हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं हकूक़ पामाल हो रहे हैं और घर के अफराद की तरबियत मुतासिर हो रही है हम अपनों से एक तरह की दूरी और गैरों से नज़दीकी और कुरबत बढ़ाने लगे घर के अफराद जो हमारी गुफ्तु सुनने के लिए बेताब हैं कोई दोस्त या हमारा हर दिल अज़ीज़ हमारे सामने में बैठा हुआ है उनसे गुफ्तु करने और उनसे हम कलाम होने की बजाय ऐसे लोगों में हम मशगूल रहते हैं जिनसे जान पहचान भी नहीं शनासाई नहीं बच्चा माँ की ममता के लिए परेशान है लेकिन माँ दूसरों से चाटिंग में लगी हुई है व्हाट्सएप और फेसबुक में लगी हुई है अब बच्चे की तरबियत खाक हो गई इस लत ने नौजवानों की सलाहियतों में भी कमी लाई है इसकी वजह से नौजवानों की सलाहियत में कमी आ रही है मालूमत में सतहत पैदा हो रही है और नई नस्ल नापुख्तगी का शिकार होती जा रही है इस फितना ने मताल के शौक को भी मुर्दा कर दिया है और मताल और इस्टी में अगर गहराई नहीं आएगी तो सलाहियत परवान कैसे चढ़ेगी लेकिन आज हमारा ये टॉपिक नहीं है आज हम सिर्फ़ ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि इस्लाम जो रिश्तों की मजबूती और भाईचारे के इसकाम पर जोर देता है सोशल मीडिया की वजह से ये रूह बुरी तरह पामाल हो रही है ऐसी हालात में प्यारे नबी अलैहि वसल्लम का ये प्यारा उसवा हमारे लिए त्रिया की हैसियत रखता है मसन्द अहमद की रवायत है अलबानी ने इस हदीस को अससिलह असहिया में सही कहा है हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी बनवाई और उसे पहन लिया फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शगलनि हादा अनकुम मिन दिलयाम अलैहि नजरा व अलैकुम नजरा दिन भर ये अंगूठी मुझे तुमसे मशगूल किए रखी कभी इसकी तरफ एक नजर और कभी तुम्हारी तरफ एक नजर डालता हूं सुम मारा माँ भी फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी को निकाला और एक जगह पर डाल दिया महतरम नादरी जरा मजलिस नबूवत के आदाब देखिए कि हमारे आका अंगूठी को निकाल कर रख देते हैं क्यों क्योंकि उसने आपको अपने साथियों से मशगल कर दिया था लेकिन आज हम अपने साथियों अपने अहबाब और रिश्तेदारों को नज़रअंदाज करके सोशल मीडिया के नशा में ऐसे मखमूर नजर आते हैं कि दाएँ बाएँ का भी कुछ पता नहीं होता एक घर में हर बच्चा अपने अपने स्मार्टफोन में मशगूल रहता है हर बच्ची अपने अपने मोबाइल में लगी रहती है इधर माँ अपने मोबाइल में चैटिंग कर रही है तो उधर बाप अपने मोबाइल में मशगूल है और बच्चे अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं और घर के बूढ़े सबका चेहरा देख रहे हैं क्या ये सच नहीं कि सोशल मीडिया ने हमें अपनों से दूर और गैरों से करीब कर दिया है महतरम भाइयों और बहनों अल्लाह के वास्ते इस बनावटी और मनूई ज़िंदगी से बाहर निकलिए फितरत की तरफ लौटिए पता चलेगा कि रिश्तों की पाकिजगी क्या होती है उसका तकद्दस क्या होता है बरत कर देखिए व सली नबीना महम्मद वाली वसबी अजमाय